जो बजा रहे हैं यहाँ से हम लोग अभी बारात निकलने वाला है, तो स्टार्ट कीजिए। हे गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो स्वागत करते हैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल के सी ब्लॉग टेक में, जहाँ पे आपको ब्लॉग के साथ साथ कॉमेडी भी देखने को मिलेगा। सो गाइस, तो ये शादी का ब्लॉग है जो कि दूसरा पार्ट है, आप सभी को दिखा रहा हूँ। पहला पार्ट में आप सभी को हम दिखाया था चूका डुबाने गए थे लोग वहाँ पे पोखरा के पास, और क्या बोलते हैं कोहरत का भात, और नहाए वहाए सारा ड्रेस व्रेस पूरा पहन लिए थे हम लोग, जैसे कि वीडियो के लास्ट में देखे थे कि ये शॉर्ट पहने हुए थे। तो ये पार्ट टू है इसका। अभी हम लोग बारात निकल चुका है, यहाँ पे देख रहे हैं गाड़ी सज के पूरा रेडी है, अभी सभी लोग हम रेडी हो चुके हैं। इधर कैमरामैन भाई भी हमारा पानी पी रहे हैं कि जल्दी जल्दी फोटो खींचना है। चलिए तो फटाफट आप सभी को लेकर चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं गाड़ी रेडी हो चुका है, बहुत इंजॉय करने वाले हैं। पूरा दिखाऊंगा यहाँ से बारात कैसे निकला, उसके बाद से पूरा जर्नी रेवती जाने का पूरा मस्ती करेंगे लोग गाड़ी में, क्योंकि बस हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगला ब्लॉग देखने के लिए, बहुत सारा ब्लॉग आने वाला है। ठीक है, तो चलिए लेकर चलते हैं आप सभी को रेवती और दिखाता हूँ शादी अपने भाई का, इंजॉय करेंगे, जो होगा देखा जाएगा भाई। ओके गुड। तो भाई तो देख रहे हैं कि मेरा भाई अब गाड़ी में बैठेगा। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सभी को दिखाऊंगा पूरा बढ़िया से। तो बारात अब निकल चुका है, सारे लोग एकदम रेडी हो चुके हैं। डांस वांस होगा ना जी? हाँ। डांस बहुत होने वाला है यहाँ पे, देख रहे हैं बारात अभी निकल चुका है गाड़ी के लिए, अभी बजा बंद था इसलिए हम सोचे कि बजा। चलिए लेकर चलते हैं फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, बहुत मस्ती करेंगे। इधर मेरा भाई बैठा हुआ है, परेशान हो जाएगा बेचारा इतना दूर जाएगा तो। ठीक है, चलिए अब ढोल तसा बचेगा पूरा। तो निकलने वाला है तो स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे अभी दुल्हा को परछा जा रहा है, जैसे कि आप सभी को तो पता ही होगा गांव में कैसे शादी होता है, तो यहाँ पे अभी सारा कुछ हो रहा है। पर्स भाभी हमने नहीं कौन लेता। तो चलिए अब बारात अब निकलने वाला है, आप सभी को थोड़ा सा आगे से दिखा दूँ अभी बॉक्स ऐसी है। तो यहाँ से अब निकलने वाला है रेवती के लिए, जो कि हम लोग को मात्र मतलब 3 घंटा कम से कम लग जाएगा। तो हम लोग बस में जाने वाले हैं, पूरा बस में मस्ती करेंगे लोग, सारे लोग, सारे जितने हम लोग बच्चा पार्टी है, जितना मेरे एज के सारे मतलब छोटे छोटे सारे बस में जाएंगे लोग, तो बहुत मस्ती करेंगे लोग। वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा प्लीज़, एक ही बात बोलेंगे क्योंकि बहुत मस्ती करने वाले हैं हम लोग।
चलिए चलिए थोड़ा सा परछावन हो जाने दीजिए, उसके बाद से बस में बैठेंगे लोग, पूरा इंजॉय करेंगे लोग, ठीक है। हाथ से ही बना ले रहा हूँ पूरा। तो चलिए वेट कीजिए, फिर से मिलता हूँ आप सभी को। सो गाइस, तो फाइनली हम लोग एकदम बस में बैठ चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सिद्धि है, इधर पूजा है, गुड़िया है, और बगल में सलोनी है, मनीषा है, और उधर कौन जी सब प्रीति है, और सब सारे लोग पूरा बस में बैठ चुका है। बच्चा पार्टी पूरा इंजॉय करेंगे लोग पूरे रास्ते में, ठीक है। तो चलिए बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव। तो स्टार्ट हो गया बस और चलने वाले हैं हम लोग रेवती। तो चलिए हम फटाफट लेकर चलते हैं आप सभी को। ओके, मस्ती हो रहा है और कुछ नहीं। इधर सारे लोग हैं, गुड़िया कुछ बोलो इसमें, गला उसका खराब है, और उधर सारा बैठा हुआ है, सारा एकदम शांति से बैठा हुआ है, सब मजा नहीं आ रहा है कुछ भी यार। कुछ खाने वाने के लिए रोकेंगे लोग, तो आप सभी को बताता हूँ, ठीक है। भूख लगा है हम लोग को भी, तो देखते हैं एक में रोक कर कुछ खाएंगे लो, क्योंकि इधर खा कर ही जाना पड़ेगा तो सही रहेगा। धरपनी गाँव अभी कितना बज रहा है जी? अभी 6 बज चुका है। चलिए लेकर चलते हैं आगे और आप सभी को दिखाता हूँ। ओके, तो गाइस, तो यहाँ पे देख रहे हैं 7:04 हो चुका है, और सामने देख रहे हैं बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ है, और सामने ये सब पूरा गपशप की हुई है, गुड़िया और यहाँ पे पूजा है, सलोनी है, उधर मेरी बहन प्रीति है, और सामने ये सब पूरा बैठकर बिकी है। ये तो बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, हम लोग एकदम बोर हो चुके हैं पूरा, मज़ा नहीं आ रहा है ना जी। सारा मेकअप एकदम ब्रांडेड वाटर प्रूफ है, तो फिर से मेकअप जाकर करेगी सब वहाँ पे ना रेवती में। तो चलिए बढ़ते हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा लंबा जाम लगा है भाई, एक मतलब आधा घंटा से फंसे हुए हैं लोग यहाँ पे, अभी पता ना कहाँ पे हैं लोग, एक माह से थोड़ा सा आगे हैं लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग और सब आप सभी को दिखाता हूँ। ओके, okay.